बहुत बड़ा उन्होंने गेम खेला है डंकी की टीम ने, जो इसकी ट्रेलर की अपडेट आ रही है, इसका ट्रेलर को बोला। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ आपके पास, और आज का जो मेरा वीडियो है वो शाहरुख खान की डंकी को लेकर है। शाहरुख खान की डंकी का नया पोस्टर आया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शाहरुख खान की नई डंकी का पोस्टर जो है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ऊपर लिखा है द जर्नी ऑफ अ सोल्जर फॉर कीप अ प्रॉमिस। किसी प्रॉमिस के लिए ये जर्नी करने वाले हैं ये डंकी फिल्म में। डंकी फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझ जाएंगे फिल्म देख के, बट इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो लोग विदेश जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, किस किस परेशानियों से, कठिनाइयों से वो वहाँ पहुँचते हैं, उसको लेकर राजकुमार हिरानी ने एक इमोशनल जर्नी बनाई है, जिसमें फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इमोशन भी है, इंस्पायरिंग भी है, जैसी राजकुमार हिरानी की मूवीज रहती हैं। राजकुमार हिरानी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं अपने करियर में, और उन्होंने टोटल 5 फिल्में ही बनाई हैं। और ये शाहरुख खान का साल है, शाहरुख खान इस साल में 2000 करोड़ की फिल्म दे चुके हैं, और ये तीसरी बार हो रहा है कि शाहरुख खान फिर से सोल्जर बनकर आ रहे हैं। ये साल में शाहरुख खान ने जो ये नस पकड़ी है लोगों की, भाई सोल्जर बनकर आऊंगा और फिल्म दिखाऊंगा, वो बिल्कुल ठिकाने पर लगाया उनका निशाना। क्योंकि जो पठान वो सोल्जर बने थे, फिल्म बहुत चली, 1000 करोड़ कमाए, वो एक टोटली एक्शन मूवी, वो टोटल एक्शन मूवी थी, बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आई। और जो जवान फिल्म थी उसमें भी वो सोल्जर बने हुए थे, और उसमें मैसेज था, एक्शन प्लस मैसेज था। और जो ये फिल्म है इसमें एक्शन नहीं है, जो ये डंकी फिल्म आ रही है इसमें एक्शन नहीं है, इसमें इंस्पिरेशन है, कॉमेडी है, फन है, एंटरटेनमेंट है, इमोशनल होगी, मोटिवेशनल होगी, क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्म से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राजकुमार हिरानी इस तरीके की ही फिल्म बनाते हैं। और ये साल जो शाहरुख खान का जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि डंकी फिल्म बहुत ज़्यादा चल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये फिल्म प्रीपोन हो गई है, जैसे पोस्टपोन होती है ये प्रीपोन हो गई है, ऐसे सिर्फ एक दिन के लिए। ये फिल्म वैसे 22 दिसंबर 2024 को आ रही थी, बट अब ये फिल्म 21 दिसंबर 2024 को आ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड वाइड में भी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। इसका जो पोस्टर जो ये शेयर किया है, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ही शेयर किया है। जैसे ही ये पोस्टर शेयर हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग गया, ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड करने लग गया, और फेसबुक पे पोस्ट पर पोस्ट आने लग गए। और अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ये फिल्म जो है ये सल्लार से एक दिन पहले आ रही है, तो एक क्लैश जो है, क्लैश तो है बट एक दिन पहले आ रही डंकी, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि अगर 21 तारीख को रिव्यूज़ अच्छे मिले तो 22 तारीख को सल्लार के सामने बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा बुरे रिव्यू मिल गए तो सल्लार के सामने नुकसान भी हो सकता था। ये बहुत बड़ा उन्होंने गेम खेला है डंकी की टीम ने, और देखते हैं कि ये फिल्म किस तरीके की होगी, क्योंकि जो राजकुमार हिरानी की फिल्म होती है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, वो फिल्म हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया बनाएंगे। लोगों को राजकुमार हिरानी की फिल्मों से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। अगर बोला जाए कि राजकुमार हिरानी की फिल्मों को कंपेयर किया जाए, उनकी फिल्में लाइन वाइज लगाई जाएँ, तो उनकी सबसे बेस्ट फिल्म 3 इडियट होगी, दूसरी बेस्ट फिल्म PK होगी, तीसरी बेस्ट फिल्म मुन्ना भाई होगी, चौथी बेस्ट फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई होगी, पांचवी बेस्ट फिल्म होगी संजू। और डंकी देखते हैं कि कौन सा नंबर लेती है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या ये राजकुमार हिरानी की करियर की सबसे वीकेस्ट फिल्म बनती है, या राजकुमार हिरानी की सबसे बेस्ट फिल्म बनती है जो 3 इडियट जैसी मूवी को पछाड़े। पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्पायरिंग लग रहा है, मोटिवेशनल लग रहा है। आप देखते हैं फिल्म किस तरीके की होगी, 21 तारीख को आ रही है, बहुत बड़ा गेम खेला है, देखते हैं कि क्या होगा। जो क्लैश है लगभग कन्फर्म है, सल्लार वर्सेस डंकी बहुत बड़ा क्लैश है। तो भाई जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो इसका ट्रेलर की अपडेट आ रही है, इसका ट्रेलर बोला जा रहा है वो कि Tiger 3 के साथ अटैच किया जाएगा, बोला जा रहा है कि टीजर भी हो सकता है, ट्रेलर भी हो सकता है। पर राजकुमार हिरानी ने एक पोस्ट डाला था कि डंकी का ट्रेलर देना है शाहरुख खान, बाथरूम से बाहर आ जाओ, तो हो सकता है शायद ट्रेलर आए, क्योंकि उन्हें Tiger 3 के साथ रिलीज करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक हॉल में बहुत ज़्यादा जाएगी, और अगर वो Tiger 3 फिल्म देख रही है तो डंकी का ट्रेलर भी देख लेगी। अगर वो ट्रेलर को पसंद करते हैं लोग, डंकी देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो पहले तो इसे Tiger 3 मूवी के साथ अटैच किया जा रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में इसको ट्रेलर को दिखाया जाएगा, और अगर इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में जाती है तो बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी डंकी के ट्रेलर। राजकुमार हिरानी की टीम और शाहरुख खान क्या प्लान करते हैं, Tiger 3 के साथ अटैच करते हैं ट्रेलर, या वर्ल्ड कप के फाइनल में दिखाते हैं, किस तरीके की इनकी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके का प्रमोशन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।